गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जैसे कि आप जानते हैं, UP SSC पैट का एग्ज़ाम हुआ है आज, और जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसके कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं वो मैं लेकर आई हूँ। जिनका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो रिविज़न आप करना चाहते हैं वो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन एक पूछा गया था, हिटलर और सुभाष चंद्र बोस कब मिले थे? तो ये है 1942, इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। पंचायती राज व्यवस्था से एक क्वेश्चन था कि ये किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 40 से संबंधित है। दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, और इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 29 है। लक्षद्वीप की भाषा, अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सी भाषा पूछी गई थी, तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। सल्तनत काल के शासकों का क्रम पूछा गया था, तो ये क्रम याद रखेंगे, हो सकता है इससे और कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एशिया का पहला नोबेल किसे मिला? तो ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, गीतांजलि के लिए। और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। फिर है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा जो है गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, शुरू किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कराया था। तो दोनों चीज़ें क्लियर रखनी है। कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो कौन थी? ये थी एनी बेसेंट 1917 में। और इसके अलावा पूछा गया, अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फोर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कनिष्क के टाइम में, और कहाँ पर? कश्मीर, कुंडलवन में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? मुगलों ने करी थी, ये बेसिकली अकबर के टाइम पीरियड पे हुई थी। एक कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1946 में, और इसमें 3 सदस्य थे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, मतलब अभी वर्तमान गवर्नर कौन है ये पूछा गया था, शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25th, हम कह सकते हैं 25th नंबर के गवर्नर जनरल हैं, सॉरी गवर्नर हैं। शिक्षा का अधिकार जो है किस आर्टिकल संबंधित है? ये आर्टिकल संबंधित है 21A से। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी में जो है तांबे की खान है, जो कि राजस्थान में है। और मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था, तो ये NV रमन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आसाम में है। शांति का नोबेल 2020 का ही हम कह सकते हैं पूछा गया होगा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये मिला था शांति का नोबेल। उत्तराखंड के नए CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। फिर एक क्वेश्चन था, सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो सार्क के सदस्य देश आप देख लेना कि कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है। आपको ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, तो आप एक नज़र देख लेना। और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं विराट कोहली। और इसके अलावा देखो, रीजनिंग से एक क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का, और एनालॉजी से क्वेश्चन था कि जिस तरह से पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है, नृविज्ञानी किससे संबंधित है, ये मानव से संबंधित हो जाएगा। ऑड वन आउट पूछा गया था कि भाई तेल, पनीर, दही, मक्खन में से कौन अलग है, मतलब अलग है, डिफरेंट है सबसे, तो ये तेल हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं ये दूध से बनी हुई हैं और तेल जो है ये इसमें से सबसे अलग है। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, इजराइल के वर्तमान PM कौन है, मतलब प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है नफ्ताली बेनेट। इसके अलावा पूछा गया, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मिल पाए हैं। तो आई होप ये कुछ थोड़ी सी हेल्प मेरे द्वारा जो की गई है ये आपके लिए आपके काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।